सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गजल जैन और आप देख रहे हैं ग्राउंड न्यूज। आज हम बात करेंगे बीजेपी के राज्यसभा के सांसद सुब्रमण्यन स्वामी ने ट्वीट करके क्यों बीजेपी के ही आईटी सेल के खिलाफ नाराजगी दिखाई। आइए जानते हैं। सोमवार को ट्वीट करके कहा कि बीजेपी आईटी सेल रूढ़ता पर उतर आया है और इसके कुछ सदस्य फर्जी आईडी बनाकर मुझ पर हमले कर रहे हैं, और अगर मेरे फॉलोअर्स भी बदले में किसी पर व्यक्तिगत हमला करें तो मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूंगा। मैं वैसे ही इसके लिए जिम्मेदारी नहीं ठहराया जा सकता जैसे बीजेपी को आईटी सेल की रूढ़ता के लिए जिम्मेदार नहीं माना जा सकता है। जानते हैं कि बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी और आईटी सेल में क्या दिक्कत है। हाल ही में स्वामी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भारत की गिरती जीडीपी पर एक वीडियो पोस्ट करी थी। उस वीडियो में उन्होंने यह भी सजेशंस दिए थे कि कैसे भारत अपनी गिरती अर्थव्यवस्था को संभाल सकता है, और उसके बाद से ही वो लगातार ट्रोल होने लग गए। और इन सब की वजह से ही उन्होंने रमेशन स्वामी का जो ट्विटर हैंडल है उनके ही एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए जो बीजेपी आईटी सेल के जो हेड है अमित मालवीय, उनको टैग किया और उसमें उन्होंने ट्रोल्स को संभालने की बात कही। बाकी अपडेट्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल ग्राउंड न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को भी जरूर लाइक और शेयर करें।